It is difficult to say what is impossible, for the dream of yesterday is the hope of today and the reality of tomorrow. People keeps on complaining, but they are not doing anything about the things that they are complaining about. बचपन से वाल्मीकि ऋषि से सीखे श्रीराम और सीता का जीवन गाने के रूप में अयोध्या में गाकर लव कुश ने श्रीराम को प्रसन्न किया और श्रीराम के दर्शन से लव कुश खुश हो गए थे। लेकिन ना ही श्रीराम जानते थे कि वह उनके ही पुत्र है, या ना ही लव कुश जानते थे कि श्रीराम उनके ही पिता है। अयोध्या में सीता की अनुपस्थिति और उसका कारण जानकर लव कुश क्रोधित होकर दुख भरे मन से वाल्मीकि ऋषि आश्रम लौट गए। कुछ दिन पश्चात अयोध्या में श्रीराम ने अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया, जिसके लिए दुनिया भर के शासक अपनी सेनाओं के साथ इसे देखने आए। ये यज्ञ श्रीराम पत्नी के साथ आचरण करने के नियम के कारण सीता की अनुपस्थिति की वजह से श्रीराम ने सीता की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर यज्ञ स्थल में स्थापित कर अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के लिए ऋषि विश्वामित्र ने काले कानों वाले एक सफेद घोड़े का अनुष्ठान कर घोड़े के माथे पर औपचारिक सोने की पट्टी बांध दी। राज्य के विस्तरण के लिए यह यज्ञ किया जाता है। यज्ञ अश्व अनुष्ठान के पश्चात छोड़ दिया जाता है और अश्व जितने राज्यों में घूमता है वह पूरा राजा का हो जाता है। अगर कोई राज्य का राजा उसे रोकेगा तो उन्हें हराकर राज्य को अपनाना होगा। यज्ञ अश्व कई जगह घूमकर वाल्मीकि ऋषि आश्रम परिसर पहुंच गया और ये बात लव कुश को पता चली। श्रीराम के प्रति क्रोधित होने के कारण लव कुश ने यज्ञ अश्व को रोक कर श्रीराम की सेना को परास्त कर दिया। लव कुश के हाथों में लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी परास्त हो गए थे। आखिरकार उन्हें हराने का काम स्वयं श्रीराम पर पड़ा। उनसे युद्ध के दौरान श्रीराम बेहोश हो गए और लव कुश श्रीराम का मुकुट लेकर अपने कुटीर में चले गए।